बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान और मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं। नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत कुछ है दिखाने के लिए आपको, लेकिन आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं टीम्स के ड्रेसिंग रूम्स। कैसे होते हैं ड्रेसिंग रूम्स, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स के देखने वालों, आपको मैं लेकर जा रहा हूँ नेशनल स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम के पास। यहाँ काम तो हो रहा है, तदीन और राइस का काम हो रहा है। वैसे ये इलाका नो गो एरिया होता है, इसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि काम चल ही रहा है तो इसलिए मैं आ सकता हूँ। तो मैं आया हूँ आपको लेकर, ड्रेसिंग रूम है ये। दीज आर द ड्रेसिंग रूम ऑफ द नेशनल स्टेडियम कराची। ये ड्रेसिंग रूम ऐसा होता है, अभी तो साफ सफाई का काम हो रहा है। ये देखिए, ये है ड्रेसिंग रूम, ऐसा होता है ड्रेसिंग रूम। ऐसा बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग रूम है नेशनल स्टेडियम कराची का। तो ये है ड्रेसिंग रूम, बैठने की जगह है, उसके अलावा वॉशरूम्स वगैरह एवरीथिंग इज हियर। तो ये है कराची का नेशनल स्टेडियम, ये आपके सामने। यहाँ पी एस एल आर्ट के मुकाबले शुरू होंगे 14 फरवरी से, तो उसके बाद यहाँ पर टीम्स बैठेंगी। ड्रेसिंग रूम आपको मैंने दिखाया। तो ये था नेशनल स्टेडियम कराची के ड्रेसिंग रूम्स का एक अहवाल, आपको मैंने दिखाया कि किस तरह के ड्रेसिंग रूम होते हैं, किस तरह सीटिंग अरेंजमेंट होता है और क्या सूरत हाल होती है। आपने पसंद किया हो तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और कॉमेंट भी कीजिए। खुदा हाफिज़।